रिकॉर्ड हो गया स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त और आपका भाई आज दोबारा इस व्लॉग में। और आज हम ना यहां बैठे हुए हैं कबाब फैक्ट्री। कबाब फैक्ट्री बेसिकली मैं आपको बताऊं कि यहां कबाब्स का बहुत बहुत ज़्यादा स्टोर्स हैं। और बेसिकली जो कबाब हैं वो कबाब नहीं होते, बट एक तरीके से शोरमा होता है चिकन का, पर वो कबाब के नाम से यहाँ बेचा जाता है। एनी विच वेज, मैं यहाँ कबाब फैक्ट्री में बैठा हूँ और अभी टाइम बज रहा है 7 और काफ़ी अच्छी खासी धूप हो रही है 7 बजे भी, क्योंकि यहाँ जो दिन है वो काफ़ी लेट डूबेगा। तो मैं आपको बताने वाला था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि बहुत सारे, जब मैं यहाँ आया मेरे पास एक दिमाग में मिथ था कि रेसिज्म बहुत ज़्यादा है क्या, और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, अगर आप लातविया में, आपके बहुत सारे और भी दोस्त हैं तो वो ये बात बोलेंगे आपसे कि रेसिज्म बहुत है लातविया में, राइट। बट मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि रेसिज्म नहीं है। और अगर आप गूगल पे भी करोगे स्टैट्स पे कि वेर इज़ द विच इज़ द मोस्ट रेसिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपको ये बात समझ में आएगा कि रेसिज्म जो है वो हमारे माइंडसेट में ज़्यादा है कंपेयर टू लैटविया। नाउ क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ये बात, इसलिए क्योंकि अगर आप रेसिज्म की बात देखें तो क्या कोई हमारे यहाँ जब हिंदुस्तान में कोई अगर फिरंगी आता है तो हम उसको भूल के नहीं देखते, हम देखते हैं उसको भूल के। और वही इनके साथ है, जब कोई आप उनके आसपास गुजरते हो तो ये ज़रूर आपको घूर के देखेंगे, काफ़ी देर तक देखेंगे, पर जब आप इनको देखोगे हो तो ये मुंह फेर लेंगे। अब आपको लग रहा है ये पहली बार जब वो घूरेंगे तो आपको लगे घूरते क्यों हैं, जब आप वो आपका मुंह अपना फेरेंगे तो आपको लगे ये अवॉइड कर रहे हैं। और ये हमारे दिमाग में ज़्यादा है, ये हमारे दिमाग में ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत जगह जब इन लोगों से मिला, जब मैंने बात करी, लड़कियाँ लड़के मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, जब मैंने बात करी तो मुझे पता चला कुछ लड़कियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि हम लोग शाय हो जाते हैं आप तुम लोगों के सामने और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अब ये मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन था कि हमें देख के कोई कंफ्यूज कॉम्प्लेक्स आ रहा हो या सतरा, कि जबकि हम इनको देख के बड़ा लुक अप टू करते हैं, ये बड़े सुंदर हैं, पर इनको हम सुंदर लगते हैं। बहुत जगह मैंने ऐसा किया कि जब मैं ड्रेसअप हुआ है चीज, जहाँ मैं काम करता हूँ स्टूडियोज़ में, वहाँ भी जब मैंने अपने कपड़े पहने और जब मैं ड्रेसअप हुआ तो मैंने इनको देखा, ये मुझे बड़े सुंदर लग रहे थे। जब मैं अपने आप को देखता हूँ मुझे लगता है बहुत बड़ा बेकार लग रहा हूँ, बट जब मैं इनसे पूछता हूँ कहते हैं यू आर लुकिंग सो अमेजिंग। और ये फ्रॉम द मेकअप, जो मेकअप आर्टिस्ट है हमारा वो, और कोई ना कोई जो दोस्त हैं और साथ में कलीग्स हैं वो सभी ये बोलते हैं यू आर लुकिंग सो अमेजिंग। तो मुझे जो मेरा इन्फ्लुएंस है, जो मेरा आउटकम है, जो मेरा कंक्लूजन जो मैंने इससे निकाला है कि ये कि हमें हम पसंद नहीं है, और ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम किसी चीज़ से कम है, हम कमतर हैं लोगों से, इसलिए हम इस तरह से देखते हैं। जब वो ये हमें अवॉइड करते हैं या हमें इग्नोर करते हैं, हमें देखते ना हमारी हमसे नज़रें फेरते हैं तो हमें लगता है कि ये हमें अवॉइड कर रहे हैं या हमें इग्नोर कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। इनफैक्ट ये कभी कभी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, कभी कभी शाय फील करते हैं, और कभी कभी इनको लगता है कि आपको ऑकवर्ड फील ना करें लगे अगर वो घूर रहे हैं आपको, इसलिए आप नज़रें घुमा लेते हैं या देखते हैं। अदरवाइज दे मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रीट यू इक्वली। अगर आपको छोटा मोटा कहीं कहीं ऐसे इंसिडेंसेस होंगे आपके साथ, पर मुझे आई एम श्योर ये ऐसे आपके हिंदुस्तान में भी हो जाएंगे, हिंदुस्तान में जाएंगे मुसलमान होने के लिए, हिंदुस्तान में जाएंगे आपकी नीची जाति होने की वजह से होने के लिए, आप पंडित नहीं हो अगर आप चमार चमार हो या बहुत नाची एस सी में हो तो भी आपके साथ ही हो सकता है। मैं मेरे साथ काफ़ी हुआ है, तो उसके कंपेरिजन में आप देखो तो कम है ना। आपको एक आध दुक्का लोग आपको शायद कभी मिल जाए और बोल रहे यू गो बैक टू इंडिया और आई ड्रीम, या फिर आपके लिए बहुत काफ़ी रूड, पर दैट इज़ मोर अबाउट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ ट्रेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर इंसान का ट्रेट है, ना कि सारे लोगों का। तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते, मुझे पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही है इसमें और कितनी आवाज़ रिकॉर्ड हो पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर भी है उस तरफ, बट मैं चाहता था ये बात कन्वे करूँ। और मुझे लगता है ये वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसा है नहीं, हमें ज़्यादा लगता है ऐसा, और मेरे दोस्त आ गए तो हम इसको बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। हाय हाय, वेयर इज आरियाना, आई वाज लुकिंग फॉर आरियाना। हाय, आई एम व्हाट्सएप।